राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पीएम मोदी की रैली अब समाप्त हो चुकी है। अपने नेता को सुनने के बाद यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेताओं में क्या जोश भर गया है, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए सर, अपने नेता को सुनने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जो हुई थी, हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि गांव, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए हम लास्ट अंत्योदय का जो दिया था कि आखिरी व्यक्ति के लिए काम करेंगे, आज माननीय मोदी जी ने भी कहा है। रविदास जी के जो कार्यशैली थी, जो उन्होंने सोचा था कि समाज में जो सामाजिक व्यक्तियाँ हैं, नेता हैं, वो जो जिन कार्यों को करें, आज उस बात, उस विषय को भी उन्होंने रखा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएँ हैं हमारी, वो सारी योजनाएं गांव, गरीब और किसान के लिए है। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, आज वो चीज़ साकार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपना परचम पूरा फहरा रही है। पूरी दुनिया में आज भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, कोई तो बात होगी, कुछ तो किया जा रहा है। वास्तव में जो आज की राजनीति की जो क्षितिज है, वो माननीय मोदी जी ने सेट किया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी बन करके कार्य कर रहा है। हम निश्चित रूप से 9 की 9 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीएम की रैली के बाद सीतापुर की सियासत में कितना बूस्ट आया है, कितना जो है मैं तो आपको भाई साहब एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि 14 से जो शुरुआत हुई है, ये 14 से जो हमारे कदम निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आपको भी एहसास होगा कि पिछली बार हम 2 सीटें किसी भी तरीके से नहीं जीत पाए थे। इस बार हम निश्चित रूप से वो 2 सीटों के साथ साथ 9 की 9 विधानसभा सीतापुर में जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई संदेह नहीं है। और हमारी गुजरात से पूरी टीम आई है, प्रवासी लोग आए हैं, प्रवासी विषय आए हैं। आप जानते हो कि 6 बार उन्होंने सरकार बनाने का प्रोग्राम सेट किया है, 6 बार सरकार रिपीट हुई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार रिपीट हो रही है और योगी जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। उन्होंने एक नारा जो चल रहा है आज कि आएंगे योगी ही, आएगी बीजेपी ही, निश्चित रूप से ये सफल होने वाला है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई संदेह की बात नहीं। सर, पीएम की मोदी से पहले हुई है लेकिन लोकसभा चुनाव में हुई है, पहली बार विधानसभा चुनाव में पीएम की रैली हुई है, आपकी पिछली 2 सीटें रह गई थी, आपको क्या लगता है कि इस बार 9 पे कमल खिलेगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये विधानसभा चुनाव के तहत पीएम मोदी जी एक बार और भी सीतापुर आए हैं 2014 में, और सिधौली में विधानसभा चुनाव जब होना था तो उन्होंने संबोधन दिया था जी। उसके बाद आज ये तीसरी बार मोदी जी की सीतापुर में रैली हुई है, जो एक अभूतपूर्व रैली थी। मैं समझता हूँ कई जनपदों में इसका मैसेज जाएगा। मोदी जी ने जो विकास का एक विजन लागू किया है, उन्होंने गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम लागू किए हैं, आज जन जन का को उसका लाभ मिल रहा है। आज उन्होंने मंच से बताया कि किस प्रकार कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उन्होंने घर घर लगवाई है। आज ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जनता लड़ रही है, आज कुछ नहीं सोचने की जरूरत, विपक्षियों के पास कुछ कहने का मौका ही नहीं है। तो इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, ये सर से जानते हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ का कार्यकर्ता जो टिकट वितरण को लेके कुछ विवाद उपजे, इन सब चीज़ों को लेके लग रहा था कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश जो थोड़ा डल था, आपको क्या लगता है पीएम की रैली के बाद उस जोश में कितना बढ़ावा हुआ? भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ से संचालित है जी, इसलिए हम लोग एक नॉर्मल कार्यकर्ता को एक बड़ा सम्मान देते हैं। आज आपने, पूरी जनता ने देखा है कि सीतापुर के जो जनता थे, जो कार्यकर्ता थे, आज बहुत उल्लास था। और टिकट के जो बात आप कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अपने समुदाय के व्यक्ति को नहीं लाती है, ऐसे ही कोई जनसंघी व्यक्ति को लाती है जिसका चेहरा हम लोग कहीं देखते नहीं हैं और आकर वो अचंभित खड़ा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि पन्ना प्रमुख बूथ तक जाकर वो कार्य करते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो सर का कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी संघ से चलती है
और कार्यकर्ता शीर्ष नेताओं के फैसलों का सम्मान करते हैं। हमारे साथ जिला बीजेपी के महामंत्री हैं रोहित सिंह जी। ये बताइए सर, जो पीएम की रैली हुई है, उन्होंने ODOP और दरी उद्योग इन सब चीज़ों के लिए आप क्या संदेश लेके अब जा रहे हैं जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी की जिन परिस्थितियों में स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ के रूप में हुई थी, उसी समय सोचा था भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पुरोधा थे जिन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने सोचा था अंत्योदय, जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, समाज में सबसे पीछे है, शोषित है, गरीब है, कैसे उसको ला करके हम ऊपर खड़ा करें। और निश्चित रूप से आज की रैली जो मोदी जी की हुई, जब जब हम मोदी जी के शब्दों को, मोदी जी के उद्बोधन को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से एक हमारा हौसला, एक उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि जितनी बार भी उनको सुनता हूँ उतना अधिक और हौसला और ऊर्जा हम सबको मिलती है, कार्यकर्ताओं को। तो आने वाले समय में चूंकि विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हम सारे लोग केवल सत्ता के लिए काम नहीं करते, कैसे यह समाज व्यवस्थित रहे, कैसे हमारा देश व्यवस्थित रहे, कैसे आम जनमानस तक, आम आदमी तक सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं को पहुँचाएँ, इस विषय की चिंता हम लोग करते हैं। और यही विषय आज मोदी जी ने रखा, कैसे उन्होंने एक गरीब परिवार, सर उन्होंने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि एक गरीब, जो बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ तो डॉक्टरों की कतारें लग जाती हैं, लेकिन एक गरीब परिवार अगर विचित्र बीमारी से, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो कैसे वो इलाज कराएगा? तो 5 लाख रुपए की उसके इलाज की सुविधा कराई। माताएं बहनें हमारी सैकड़ों वर्षों से, चूँकि मैं भी गाँव से आता हूँ, बहुत ही जमीनी स्तर पर मैंने काम किया रहा हूँ, देखा है, जो हमारी माताएँ बहनें थीं, पूर्व में बहुत से ऐसे परिवार रहते थे जहाँ गीले ईंधन से उनको रोटी बनानी पड़ती थी, उनको भोजन बनाना पड़ता था, लेकिन आज मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे करके उनके मन में एक ऊर्जा, उनके मन में एक उत्साह का संचार करने का काम किया है। और बहुत सारी योजनाएं, अगर मैं कहने लगूं तो मुझे लगता है बहुत सारा समय खर्च होगा, जितनी योजनाएं, जितनी व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उपलब्ध कराई है, व्यवस्थित कराई है। और सबसे प्रमुख जो है हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जो 2012 से लेकर के 2017 तक के कालखंड को अगर हम देखेंगे तो अपराध, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं था। गरीबों के प्लाट छीन लिए जाते थे, गरीब असहायों की हत्याएं कर दी जाती थी, मेरी बहनें माताएं सुरक्षित नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2017 में मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में शपथ ली, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ, बड़े स्तर पर अपराधी या तो जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बाहर हैं। यही सब उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती थी। आने वाला जब 10 मार्च को आने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से, जैसा मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ही अपने द्वारा 2017 में बनाए गए रिकॉर्ड को 2022 में तोड़ेगी। इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जनता अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ेगी। हमारे साथ एक शख्स और हैं। सर ये बताइए कि इस बार 9 में से कितनी सीटें आप सोच रहे हैं? अभी मोदी जी के उद्बोधन में जैसा हम लोगों को संदेश दे के गए हैं कि आज रविदास जयंती है, और रविदास जयंती के अवसर पर उन्होंने बताया, एक दोहा सुनाया कि रविदास जयंती जी का जो मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अन्न पहुंचे, यही हमारा सरकार का लक्ष्य है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो 2 सीटें लूज हुई थी इन कोविड काल में, 2 साल में जो घर घर अन्न पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया है, इस बार जो सीटें छूट गई थी वो पहले नंबर पर आएंगी और हम 9 की 9 सीट जीतने जा रहे हैं। तो 9 की 9 सीटने जा रहे हैं। अपने नेता पीएम मोदी को सुनने के बाद यहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम अपनी सरकार की, जन जन की योजनाएं सीतापुर के जनता तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन विभु शुक्ला के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।